Hello everybody, I am Hirendra Singh. I welcome you all to this session of Raghuvansh English Learning and Improvement Classes. आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन. सेंटेंसेस का फ्रॉम वन टाइप ऑफ सेंटेंस टू अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस में चेंज करना, इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सेंटेंसेस कई प्रकार के होते हैं. सिंगल सेंटेंस जो होता है उसको हम सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के रूप में हम जानते हैं. इस प्रकार के सेंटेंसेस हमने स्टडी किए हुए हैं. अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो होते हैं कि दो या दो से अधिक सेंटेंसेस मिलकर के जो सेंटेंस बनाते हैं उनको हम कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ही सेंटेंस को कैसे कंपाउंड सेंटेंस और उसी को कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, उसी सेंटेंस को कैसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और उसी को कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं, ये सब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ वन और मोर सिंपल सेंटेंसेस इंटू कंपाउंड सेंटेंस. एक या एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं. अगर एक ही सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे. तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए उसके कुछ कनेक्टिव्स होते हैं. अब वो कनेक्टिव्स कौन है? एंड, बट, सो, देयरफॉर, नॉट विद स्टैंडिंग, स्टिल, नेवरदलेस, आइदर आर, नाइदर नॉर, व्हाइल, येट, एटसेट्रा. तो इन कनेक्टिव से जोड़ करके जब हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एक ही सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अर्थात एक सिंपल सेंटेंस को दो सेंटेंस हम कैसे बनाएं जिससे कि वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाए. तो इसमें कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. सबसे पहले हम देखेंगे, ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. इसी को हिंदी में जब हम कहेंगे कि इसको दो सेंटेंस बनाइए जिससे कि कंपाउंड सेंटेंस हो जाए तो हम कैसे कहेंगे, उसने अपराध किया और उसने स्वीकार कर लिया, और उसने अपराध किया और उसने इसे स्वीकार कर लिया. ही कमिटेड, कमिटेड माने किया, ही कमिटेड गिल्ट एंड एक्सेप्टेड इट. अब देखिए एंड से सेंटेंस बन गया और उसने इसे स्वीकार कर लिया. ही कन्फेस्ड, ही कमिटेड हिज गिल्ट एंड एक्सेप्टेड इट या कन्फेस्ड इट. इसको कन्फेस्ड कर लीजिए, एक्सेप्टेड की बजाय इसको कन्फेस कर लीजिए, क्योंकि कन्फेस दिया हुआ है इसलिए हम इसको एक्सेप्ट और कन्फेस, कन्फेस में होता है कबूल कर लेना. एंड कन्फेस्ड इट, उसने कमिटेड ए गिल्ट एंड कन्फेस्ड इट. तो दो सेंटेंसेस हो गए, एक यहां से यहां तक और दूसरा यहां, तो एंड से जुड़ा है इसलिए कंपाउंड सेंटेंस हो गया. हम देखेंगे इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड. इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद भी, अपने कठिन मेहनत करने के बावजूद भी ही फेल्ड, वो फेल हो गया. अब मैं इसको दो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसने कठिन मेहनत किया और वो, लेकिन वो फेल हो गया. और नहीं कहेंगे, और तो तब होता है जबकि पॉजिटिव कोई चीज घटित हो रही हो, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि नेगेटिव हुआ है. पॉजिटिव उसने किया लेकिन उसका नेगेटिव रिजल्ट उसको मिला, तो हम कहेंगे ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड बट. यहां देखिए बट कनेक्टिव आ गया, सुटेबल कनेक्टिव हम देखेंगे. बट फेल्ड या बट ही फेल्ड हम करेंगे, लेकिन ही को हम कॉमन कर देते हैं क्योंकि एक ही आदमी है, तो इसलिए हम इसको यहां ही लिख करके ही हिडन फॉर्म में होता है. दूसरा सेंटेंस हम तीसरा देखेंगे, ओइंग टू हिज इलनेस ही डिड नॉट गो टू स्कूल. ओइंग टू माने के कारण, इलनेस माने बीमारी के, अपनी बीमारी के कारण ही डिड नॉट गो टू स्कूल. इस सेंटेंस को जब हम दो सेंटेंस बनाएंगे तो हम कहेंगे कि वो बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं गया. ही वॉज इल
वाज, अब आप कहेंगे कि वो वाज कहां से आया, क्योंकि इसमें हम सेंटेंस में सेंस निकालने की कोशिश करेंगे कि ओइंग टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण, अर्थात वो बीमार था, ही वाज इल, सो इसलिए ही डिड नॉट गो टू स्कूल. नेक्स्ट देखेंगे हम, हियरिंग द रोर ऑफ द लायन दे रैन अवे. हियरिंग माने सुन करके, रोर माने दहाड़ ऑफ द लायन, लायन की दहाड़ को सुन करके वे लोग भाग गए. तो इसको हम कहेंगे उन्होंने शेर शेर की दहाड़ को सुना और वे भाग गए. दे सुना, दे माने वे, दे हर्ड द रोर ऑफ द लायन, ऑफ द लायन एंड रैन अवे, और भाग गए. तो यहां देखिए एंड से जुड़ गया, उन्होंने आवाज सुनी, दहाड़ सुनी और वे भाग गए. फिफ्थ सेंटेंस, बीइंग टायर्ड दे रेस्टेड अंडर ए ट्री. बीइंग माने होने के, टायर्ड माने थका, होने के कारण दे रेस्टेड माने उन्होंने आराम किया अंडर ए ट्री, थके होने के कारण उन्होंने पेड़ के नीचे आराम किया. इसका मतलब हम कहेंगे कि वे लोग थके थे इसलिए उन्होंने पेड़ के नीचे आराम किया. सेंटेंसेस में हम कनेक्टिव इन्हीं में से लेंगे, नहीं तो और दूसरा कनेक्टिव अगर लेंगे तो कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कनेक्टिव लेंगे तो ये सेंटेंस कंपाउंड में नहीं हो पाएगा. बीइंग टायर्ड, इसका मतलब दे वर टायर्ड, दे वर टायर्ड, वे थके थे. सो इसलिए दे रेस्टेड अंडर अ ट्री, अंडर ए ट्री. अब तो ये था सिंपल सेंटेंस, एक सिंगल सिंपल सेंटेंस था. अब दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस, इसमें डबल या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कैसे हम एक सिंपल कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे. इसमें एक था डबल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंस तो डबल बनता ही है. इसमें दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनको हमें कनेक्टिव देखना है, कौन सा कनेक्टिव होगा, अपने आप बन जाएगा. आई इन्वाइटेड देम टू माई फंक्शन, मैंने उन्हें अपने फंक्शन में इन्वाइट किया. दे डिड नॉट टर्न अप, वे आए नहीं. इसका मतलब हम कहेंगे कि मैंने उन्हें आमंत्रित किया फंक्शन में लेकिन वे नहीं आए, क्योंकि ये नेगेटिव रिजल्ट इसका आ रहा, इसलिए यहां एंड का प्रयोग, बट का प्रयोग होगा. तो आई इन्वाइटेड देम टू माई फंक्शन बट दे डिड नॉट टर्न अप. यहां बट आ गया, दोनों सेंटेंस के बीच में बट का प्रयोग हुआ है. द वे वॉज लॉन्ग, द विंड वॉज कोल्ड. अब देखिए यात्री जा रहे थे रोड पर, लंबा रास्ता भी था और मौसम भी बहुत ठंडा था या ठंडी हवा भी चल रही थी. इसका मतलब कि दो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, मतलब वहां उसके लिए तो नेगेटिव है कि रास्ता भी लंबा था और ठंडी हवा भी थी, लेकिन दोनों एक ही सिचुएशन को व्यक्त करते हैं. तो हम कहेंगे द वे वॉज लॉन्ग एंड द विंड वॉज कोल्ड, एंड द विंड वॉज कोल्ड. तो यहां हमने देखा एंड का प्रयोग, यहां सुटेबल कनेक्टिव है एंड. अब इसमें हम एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते थे, साथ ही साथ. द वे वॉज लॉन्ग एज वेल एज द विंड वॉज कोल्ड, इसको एज वेल एज भी एक कनेक्टिव होता है कि साथ ही साथ उसका मतलब होता है. द क्वेश्चन वॉज लॉन्ग, द क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट टू. अब आप इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लंबा था और वो क्वेश्चन जो था डिफिकल्ट भी था, दो चीजें थी उसी क्वेश्चन के साथ. तो हम इसको कनेक्टिव क्या बनाएंगे कि क्वेश्चन केवल लंबा ही नहीं था बल्कि ये डिफिकल्ट भी था. तो हमने देखे केवल नहीं के लिए क्या आता है, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो. अच्छा, यहां कनेक्टिव में हमें लिखना होगा यहां पर कि नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली केवल नहीं, बट आल्सो बल्कि और भी चीज थी. इसका मतलब द क्वेश्चन वॉज नॉट ओनली लॉन्ग, द क्वेश्चन वॉज नॉट ओनली लॉन्ग
बट हम इसको कॉमन कर लेंगे, सेंटेंस सब्जेक्ट को कॉमन कर लेंगे, बट डिफिकल्ट ऑल्सो, बट ऑल्सो दोनों को अलग अलग कर लिया, यहां देखिए बट आ गया, यहां ऑल्सो आ गया, हम इसको बट ऑल्सो डिफिकल्ट भी कर सकते थे, बट ऑल्सो डिफिकल्ट, बट डिफिकल्ट ऑल्सो भी कह सकते हैं या बट ऑल्सो डिफिकल्ट भी। चौथे प्रकार का सेंटेंस, द टीचर डिड नॉट टीच द लेसन, द ही डिड नॉट गिव होमवर्क, टीचर ने लेसन को नहीं पढ़ाया, उसने होमवर्क नहीं दिया। इसका मतलब कि टीचर ने ना तो लेसन पढ़ाया और ना ही उसने होमवर्क दिया। तो इसमें ना ही ना तो के लिए क्या आता है, नीदर नॉर, आइदर आर या नाइदर नॉर, तो यहां इसमें नीदर नॉर क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नीदर आ जाएगा। द टीचर नीदर टॉट, क्योंकि टी ए यू जी एस टी, क्योंकि डिड हट गया है तो ये सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस में, नीदर टॉट द लेसन नॉर गेव होमवर्क। इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें सिंपल सेंटेंस को डबल कंपाउंड सेंटेंस बनाया, इसमें डबल सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाया कनेक्टिव जोड़ करके। इस प्रकार से अब हम कंपाउंड सेंटेंस के बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे जो कि उसकी हेल्पिंग वर्ब्स, उसके कनेक्टिव्स को पहले देखेंगे। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के सेकेंड स्टेप को डिटेल में देखेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कैसे चेंज करते हैं। पहले वाले में हमने देखा सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड में कैसे चेंज करते हैं, अब इसमें देखेंगे कि एक या एक से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। तो वही चीज है, सबसे पहले हमें इसकी कनेक्टिव्स को जानना बहुत जरूरी है, इसके कौन कौन से कनेक्टिव्स होते हैं तभी वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, इन्हीं कनेक्टिव से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। जैसे दैट माने की होता है, सो दैट ताकि या जिससे कि, सो और दैट अलग अलग है, इतना कि, इफ माने यद्यपि, यदि, अंटिल माने जब तक कि नहीं, अनलेस मीन्स भी जब तक कि नहीं, बिकॉज माने क्योंकि, सिंस माने जब से, बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद में, डब्ल्यू एच के जितने भी वर्ड्स हैं वो सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो हम डिफरेंट सिंपल सेंटेंसेस को ले करके और उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले देखा हमने आई नो हिज रेजिडेंस, हमने एक सिंपल सेंटेंस लिया, अब इसको एक दो सेंटेंसेस बनाइए कनेक्टिव लेकर के जिससे कि लगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कैसे हम कहेंगे, मैं उसका रेजिडेंस जानता हूं, मैं उसका निवास स्थान जानता हूं, हम इसको कैसे कहेंगे, मैं जानता हूं वह जहां रहता है, इसका मतलब हो जाएगा आई नो मीन्स मैं जानता हूं, पहला सेंटेंस ये हो गया। वेयर जो है, वेयर मीन्स जहां, ये कनेक्टिव हो गया, वेयर ही लिव्स, लिव माने रहना अर्थात जहां वो निवास करता है, वेयर ही लिव्स, दो सेंटेंसेस हो गए, एक ही सिंपल सेंटेंस के दो सेंटेंसेस हुए जो कि वेयर से कनेक्टिव से जुड़ा हुआ है, कनेक्टिव से। आई कन्फेस्ड हिज क्राइम, पहले वाले हमने देखा था ही कन्फेस्ड हिज क्राइम आया था तो हमने उसको कंपाउंड बनाया था, उसी सेंटेंस को अगर लिखा जाए तो उसको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, तो हम कहेंगे ही कॉन्फेस्ड, इसका मतलब उसने कबूल कर लिया, ही कॉन्फेस्ड, अब हम क्या किससे जोड़ेंगे, कि अर्थात दैट, दैट ही हैड कमिटेड ए क्राइम, उसने स्वीकार कर लिया कि उसने एक क्राइम किया हुआ था, कमिटेड ए क्राइम अर्थात उसने अपराध स्वीकार कर लिया, उसने अपराध स्वीकार कर लिया, इसका मतलब उसने स्वीकार कर लिया कि ही हैड कमिटेड ए क्राइम, दैट ही वॉज ए क्रिमिनल भी हम कह सकते हैं, दैट ही वॉज ए क्रिमिनल, उसने स्वीकार कर लिया। ही साइलेंस प्रूव्स हिज इनोसेंस, उसकी शांति प्रूव सिद्ध करती है उसकी इनोसेंस माने उसकी भोलापन, उसके भोलेपन को सिद्ध करती है, उसके निरपराध भाव को स्वीकार करता है या सिद्ध करता है उसकी शांति, इसका मतलब हम कहेंगे
कि उसकी शांति यह सिद्ध करती है कि वो इनोसेंट है, कि वो इनोसेंट है। His silence proves that he was innocent, कि वो innocent है, वो निर्दोष है। उसकी शांति सिद्ध करती है कि वो निर्दोष था। Proves, अच्छा हम इसको past tense में हमने कर दिया, इसको second प्रेजेंट टेंस में कहेंगे तो इज लगाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ प्रूव्स प्रेजेंट टेंस में है, तो हम प्रेजेंट टेंस का अगला सेंटेंस बनाएंगे। उसकी शांति सिद्ध करती है कि वो इनोसेंट है। ही होप्ड टू विन द प्राइज। अब इसमें देखिए कि उसने प्राइज जीतने का की आशा की थी, इसका मतलब कि उसने आशा की थी कि वो प्राइज जीतेगा। ही होप्ड, उसने आशा की थी, एक सेंटेंस हो गया। That से बनाएंगे, that he would win, कि वो जीतेगा a prize। अब यहां हम कहेंगे वो जीतेगा, फ्यूचर टेंस में बोल रहे हैं, फ्यूचर टेंस में will आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में लिखा हुआ है तो will का पास्ट टेंस हो जाएगा would, इसलिए उसने स्वीकार, उसने आशा की थी कि वो प्राइज जीत जाएगा। अगला सेंटेंस देखेंगे, I hoped to win the prize. He hoped to win the prize. अच्छा दोनों sentences एक ही हमने लिख दिया है, इसको भी इसी तरह से कर लीजिए। He hoped to win the prize. चलिए, I hoped that I would win the prize. Win a prize. I would win a prize. Third, sixth sentence देखेंगे। The tea was hot enough for me to drink. एक सिंपल सेंटेंस है, चाय इतनी गर्म थी मेरे लिए पी पाना, अर्थात चाय इतनी मेरे लिए गर्म थी कि मैं पी नहीं सकता था। The tea was, अब यहां पर इतनी की के लिए कौन सा आता है, ये कनेक्टिव आता है, इतना या इतनी और की। चाय इतनी गर्म थी, the tea was so hot, so हॉट। अब यहां दैट लगाएंगे अगला सेंटेंस शुरू करने के पहले, दैट कि मैं पी नहीं सकता था, दैट आई कुड नॉट ड्रिंक। चाय इतनी गर्म थी कि मैं इसे पी नहीं सकता था। ये तो हो गए सिंगल सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार से हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया इसके कनेक्टिव्स के साथ। ध्यान यही रखना है कि एक उचित कनेक्टिव होना चाहिए जिससे कि उसका मीनिंगफुल अर्थ निकले। डबल या मोर सिंपल सेंटेंसेस को, अब इसमें देखिए डबल सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंसेस डबल हैं, इनको हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। कैसे बनेगा, द सीलिंग वॉज वेरी हाई, शी कुड नॉट टच इट। इस सेंटेंस को हम बिकॉज से भी बना सकते हैं, बिकॉज माने क्योंकि, तो हम सेंटेंस में शुरू में बिकॉज लगा देंगे। The because the ceiling was very high, she could not touch it. तो because के बाद हम यहां कॉमा लगा करके she could not touch it लिख देंगे, तो इसको because से भी बनाया जा सकता है। Because the ceiling के साथ because the ceiling was too high. अगला sentence देखें, the sun rose, the travelers started their journey. It means that सूर्य निकला, the travelers started their journey, यात्रियों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। तो हम इसमें कौन सा कनेक्टिव सही लगा सकते हैं, when the sun rose, when माने जब, when the WH वाली फैमिली का वर्ड हम यूज करेंगे, when समय की बात कर रहा, when the sun rose the travelers started वहीं लगाया, वहीं माने जब, जब सूर्य निकला तो ट्रेवलर्स ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। हम इसको इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि ट्रेवलर्स डिड नॉट स्टार्ट दियर जर्नी अंटिल द सन रोज या बिफोर द सन रोज, सूर्य निकलने से पहले भी हम कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं आफ्टर लगा करके, द ट्रेवलर्स स्टार्टेड दियर जर्नी आफ्टर द सन हैड रिजन।
तो आफ्टर से भी लगा सकते हैं, बिफोर से भी कर सकते हैं और वेन से भी कर सकते हैं. शी वर्कड हार्ड, शी वॉन्टेड टू पास इन फर्स्ट डिवीजन. हम इसको कैसे कहेंगे, उसने कठिन मेहनत किया, वो पास होना चाहती थी फर्स्ट डिवीजन में. इसमें कौन सा कनेक्टिव हम इसमें उचित लग रहा है, इसमें हम देखते हैं कि शी वर्कड हार्ड बिकॉज शी वॉन्टेड टू पास इन फर्स्ट डिवीजन. बिकॉज लगा सकते हैं, बिकॉज माने क्योंकि. शी वर्कड हार्ड बिकॉज शी वॉन्टेड टू पास इन फर्स्ट डिवीजन. अगला सेंटेंस, आई विल रिटर्न योर पेन, फर्स्ट यू गिव मी योर गिव मी माई बुक. तो हम देखेंगे किसको क्या कनेक्टिव इसमें लगाएंगे. आई विल नॉट रिटर्न योर पेन अंटिल या अनलेस का प्रयोग करेंगे, अनलेस यू गिव मी माई बुक. आई विल नॉट रिटर्न योर पेन अनलेस यू गिव मी माई पेन. अच्छा, अनलेस और अंटिल दोनों जो है जब तक की नहीं होता है. दोनों में फर्क इतना है कि अंटिल जो है वो टाइम के लिए आता है, जितने समय तक की बात की जाए, जब तक की नहीं, और अनलेस जो है वो उसके कंडीशन के लिए आता है, शर्त के लिए आता है. इस कंडीशन में जब तक कि ये काम नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं होगा. इस तरह से हम यहां कंडीशन भी कह सकते हैं कि ये कंडीशन है, अनलेस भी लगा सकते हैं और अंटिल भी लगा सकते हैं. पांचवा सेंटेंस देखे, टीचर एक्सप्लेन्ड द अर्थ मूव्स राउंड द सन. दो सेंटेंसेस हैं, इनको एक सेंटेंस हम बनाए, मतलब दोनों सेंटेंस को एक सुटेबल कनेक्टिव से इसको जोड़ेंगे. कैसे करेंगे, द टीचर दी टीचर एक्सप्लेन्ड दैट द अर्थ, इसमें दैट लगा दिया बीच में, दैट द अर्थ मूव्स राउंड द अर्थ मूव्स राउंड द अर्थ राउंड द सन. दैट्स ऑल. अब ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखा कि किस प्रकार से सिंपल को, एक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कैसे चेंज करेंगे, डबल सिंपल सेंटेंस को फिर कंपाउंड में कैसे चेंज करेंगे, फिर इसके बाद हमने देखा एक सिंपल सेंटेंस को या सिंगल सिंपल सेंटेंस को कैसे उसको कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे, उसी तरह से डबल सिंपल सेंटेंसेस को और किस प्रकार से उनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बनाएंगे. तो इस प्रकार से ये कनेक्टिव्स का इसमें क्रूशियल रोल होता है सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बनाने में. अगर हमें याद है कि कंपाउंड सेंटेंसेस के कनेक्टिव ये हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के कनेक्टिव ये हैं, तो हमें बनाने में बड़ी आसानी हो जाएगी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों निश्चित रूप से वो वीडियो को सब्सक्राइब करें. हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपस में इंटरचेंज करने की जो क्रिया है, जो मेथड है, वो बहुत ही क्लियर समझ में आ गई होगी. थैंक यू वेरी मच.